मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और आज का ये सवाल बहुत ही बढ़िया एक नंबर प्रॉब्लम है। बाइनोमियल थ्योरम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखें कि क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड और ये जो थर्ड तीन टर्म्स, जो पहली तीन टर्म्स हैं उनकी ये वैल्यूज़ है और हमें निकालना है ए बी और एन। तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले क्या करें कि आप फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दें। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी बाइनोमियल की, तो इसका एक्सपांशन करके देखना पड़ेगा। ए प्लस बी होल टू द पावर एन, तो इसका एक्सपांशन आप करें। फर्स्ट टर्म होगी एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन बी टू द पावर ज़ीरो। सेकेंड टर्म होगी एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन। थर्ड टर्म होगी एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ा दें आप, अब इसे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है आपकी 729। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू 7290 7290। और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू है 30375। तो गिवन है, क्या गिवन है आपको कि a टू द पावर n, एन सी ज़ीरो ए टू द पावर n, b टू द पावर ज़ीरो, फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट 729। तो अब एक काम करें आप, मैंने आपको जैसे बता रखा है कि एन सी ज़ीरो का वैल्यू कितना होगा, एन सी ज़ीरो का वैल्यू होता है 1। तो एन सी ज़ीरो हो गया 1, ए टू द पावर n, b टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 729। इसको दे दें नंबर 1। अब दूसरी जो टर्म है, सेकेंड टर्म है एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7290। तो आप एन सी वन को क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन 1। मैंने आपको कहा भी था कि एन सी वन लिखा है तो पहले एन लिख लें और उसके अपॉन में, जैसे आपको एन सी टू से समझाता हूँ मैं, देखो ध्यान से आप, एन सी टू लिखा हो, क्या लिखा हो, जैसे थर्ड टर्म क्या है आपकी एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये सेवन, हाँ करेक्ट है, 30375। तो ये एन सी टू का एक्सपेंशन आप समझो तो एन सी वन भी समझ में आएगा आपको। एन से चालू करना, एन से चालू करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक एक कम करते जाओ। तो एन एन माइनस वन और कितने तक कम करना है, तो उसमें लिखा है, इसमें सबस्क्रिप्ट पे लिखा 2, तो अप टू सेकेंड स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। और अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल मींस 2 इंटू 1। इसमें क्या आएगा, एन अपॉन, एन से चालू करना है और एन पे ही ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे सी में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। अगर अगर एन सी 3 होता तो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और अपॉन में आ जाता 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर आपके पास एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 7C4, तो 7C4 को कैसे कैलकुलेट करना है, 7 6 5, कितने तक जाना है आपको, 1 2 3 4, 4 लिखना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और आप अपॉन में क्या है, 4, ये 4 लिखा है सबस्क्रिप्ट पे, तो 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1, ये इसकी वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में मत रखिए। और ये जो ट्रिक है एन सी टू निकालने की, एन सी वन निकालने की, ये आप यही वाली यूज़ करें। फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। फार्मूला अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसका भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। एन सी टू का वैल्यू निकालना हो, एन सी वन का निकालना हो, जिस किसी का भी निकालना हो, तो देखिए एन सी वन का वैल्यू है एन अपॉन वन ए टू द पावर एन, और ए टू द पावर माइनस वन नीचे आएगा तो ए इंटू बी 7290। इसको दे दें नंबर 2। और ये जो है आपके पास ए टू द पावर एन अपॉन, माइनस टू नीचे गया तो क्या हो जाएगा, प्लस टू,
और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। नंबर दे दे इसको इक्वेशन थ्री। तो जब इक्वेशन वन टू थ्री आ गई है तो इन तीनों का यूज़ करके हमें ए बी और एन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले टू डिवाइडेड बाय वन कर देते हैं। तो टू डिवाइडेड बाय वन से देखें क्या आता है आपके पास। टू डिवाइडेड बाय वन, टू अपॉन वन, तो टू अपॉन वन से आएगा आपके पास एन अपॉन वन ए टू द पावर एन बी अपॉन ए होल अपॉन आपके पास इसका वैल्यू ए टू द पावर एन 7290 डिवाइडेड बाय 729 ए टू द पावर एन से ये कैंसिल हो गया। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन ले सकते हो आप। तो ये किस तरीके से लिखेंगे आप, एन इंटू बी बाय ए इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर दें तो क्या आएगा आपके पास 10। इसको नंबर दे दें आप 4। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करें, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये हमने 2 डिवाइडेड बाय 1 थी, अब अगला ऑपरेशन लगा दें 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 क्या चीज़ है, एन एन माइनस वन अपॉन टू ए टू द पावर एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर 2 एन ए टू द पावर एन इंटू बी अपॉन ए। ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, बी से ये बी कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, एन से ये एन कैंसिल इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा 30375 अपॉन 7290। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना, मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ 25/6 आएगा कैंसिल करते करते। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है आपके लिए, आप कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या बचा आपके पास दोस्तों, एन माइनस वन अपॉन टू बी अपॉन ए, ये बी और ये ए इज इक्वल टू 25/6। इसको नंबर दे दें आप 5। अब 5/4 कर दें। 5/4 करने से देखें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। तो मैं 5/4 कर देता हूँ। तो देखिए 5/4 डिवाइडिंग 5/4 डिवाइडिंग 5/4, 5 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन क्या लिखी है आपके पास, n माइनस 1/2 इंटू बी बाय ए अपॉन n इंटू बी बाय ए इज इक्वल टू 25/6 डिवाइडेड बाय 10। क्यों, ये इसका राइट साइड 10 है लेकिन इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। ये ध्यान से देखें कौन किससे कैंसिल होगा, ये बी बाय से कैंसिल होगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा। 1 जाएगा ऊपर तो जाएगा n माइनस 1, 2 जाएगा नीचे 2n, ये हो जाएगा 25/6 इंटू 1/10। अब देखें आप 10 को कैंसिल कर दें तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 5 2 जा 10, ये जो 2 है डिनोमिनेटर का ये 2 इसको कैंसिल कर देगा। अब आगे क्या होगा, तो आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए क्या होता है। तो आगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपके पास 6 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा n, n ये उधर चला जाएगा तो ये 5n हो जाएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू आ गई n की 6। इसको रख दें आप 1 में और 2 में, पुटिंग इन 1 एंड 2, 1 और 2 में रख दीजिए। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप ए टू द पावर एन, ए टू द पावर 6 729, तो ए टू द पावर 6 ये होता है 3 टू द पावर 6। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई है। अब बी, अब दूसरे में रख देंगे, अब पुटिंग इन 2, अब 2 में रख दी हमने वैल्यू, तो 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2
सॉरी ए की एन की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू ए टू द पावर 6 अपॉन ए इंटू बी इज इक्वल टू 7290। अब 6 आप नीचे ले जा सकते हैं, वहाँ ये हो जाएगा ए टू द पावर 5 इंटू बी 7290। अब ए की जो वैल्यू है इसको भी यूज़ कर लें आप, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू बी 7290 अपॉन 6, सॉरी ये 6 जो हमने भेजा था वो यहाँ लिख दीजिए आप, तो ये 6 नीचे लिख दें। अब 6 से तब तक आप कैंसिल भी कर दें, तो 6 से कैंसिल कर दिया, देखिए 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, फिर इसको 9 को उड़ाएंगे तो 6 वन जा 6 और 6 फाइव जा 30, और b की वैल्यू अब आएगी आपके पास, अब इसका रोल ख़त्म हो गया, इसीलिए मैंने इनको रब नहीं किया था, इरेज नहीं किया था, क्योंकि इनकी ज़रूरत थी हमें तब। तो b की वैल्यू दोस्तों आएगी आपके पास, b इज इक्वल टू 1215 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5, तो 3 टू द पावर 5 को आप 3 इंटू 3 करके भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, या फिर आप अपने हिसाब से लिख लें 3 इंटू 3 इंटू 3 फाइव टाइम्स। पर इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, इनका सारे डिजिट्स का सम करो आप, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 से डिविजिबल होगा, तो ये डायरेक्ट 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 9 वन जा 9, और अब आपके पास आया 30, 9 3 जा 27, 9 अब आपके पास बचेगा 4, 4 और 5 45, 9 5 जा 45, अब आप देखो 135, ये फिर इसका सम कितना है, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, तो फिर 9 से कैंसिल होगा, तो 9 वन जा 9, 9 5 जा 45, ये 3 इसको कैंसिल कर देगा तो 3 5 जा 15, तो आराम से कैलकुलेट कर लिया b की वैल्यू कितनी आई 5, a का वैल्यू कितना है आपका 3, और n का वैल्यू कितना है 6। ये दोस्तों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से बात करते रहें और ये बात आगे फैलाते रहें। मेरी बेस्ट विशेस है, ऑल द बेस्ट।